सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे इक्ष्वाकु वंशी थे। बाद में श्री रामचंद्र जी भी इसी वंश में हुए। धर्म में उनकी सच्ची निष्ठा थी और वे परम सत्यवादी थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। उनका इंद्र की सभा में आना जाना था। देव दानव सभी उनकी सत्य निष्ठा के प्रशंसक थे। प्रजा उनके शासन काल में हर जगह से संतुष्ट रहती थी। उनके राज्य में ना तो किसी की अकाल मृत्यु होती थी और ना ही दुर्भिक्ष पड़ता था। जब भी कोई महाराज की प्रशंसा करता तो वे उसे कहते, ये सब मेरे गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की कृपा का फल है। ऐसा वे मात्र कहते ही नहीं थे, गुरु चरणों में उनकी अत्यधिक श्रद्धा थी। एक दिन इंद्र की सभा में विश्वामित्र और वशिष्ठ के अलावा देवगण, गंधर्व, पितर और यक्ष आदि बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि इस धरती पर सबसे बड़ा दानी, धर्मात्मा और सत्यवादी कौन है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, संसार में ऐसे एकमात्र मेरे शिष्य राजा हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी, दाता, प्रजावत्सल, प्रतापी, धर्मनिष्ठ राजा ना तो पृथ्वी पर पहले कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। जब किसी के प्रति वैमनस्य की भावना हो तो दूसरे की छोटी से छोटी बात विक्षेप का कारण हो जाती है। इसलिए विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। एक पुरोहित की दृष्टि में उसके यजमान में ही समस्त गुणों का निवास होता है। मैं जानता हूँ राजा हरिश्चंद्र को, मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा। इससे वशिष्ठ के यजमान की पोल अपने आप खुल जाएगी। महर्षि वशिष्ठ के लिए विश्वामित्र के कहे गए ये वचन देवताओं को अच्छे ना लगे। उनमें उन्हें विश्वामित्र के अहंकार की स्पष्ट गंध आ रही थी। वे सोच रहे थे कि ऋषि भी अगर ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे तो सामान्य व्यक्ति का क्या होगा। देवराज जानते थे कि दो ऋषियों के बीच हुए विवाद में फंसने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। वे दोनों महर्षि के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। इंद्र भली भांति जानते थे कि विश्वामित्र के मन में क्यों वशिष्ठ के प्रति ईर्ष्या का भाव है। महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत शीत और गंभीर वाणी में विश्वामित्र से कहा, आप ठीक कहते हैं, परीक्षा ही व्यक्ति को दृढ़ बनाती है। परीक्षा से ही किसी को अपनी योग्यता का ज्ञान होता है। वैसे तो प्रत्येक स्वयं को लोगों के बीच यही सिद्ध करता है कि वही योग्य है। बस महर्षि के इन वाक्यों का विश्वामित्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उन्हें लगा मानो सब कुछ उन्हीं को केंद्र में रखकर कहा गया है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा, आप स्वयं परीक्षा लीजिए, सत्य सामने आ जाएगा। अब विश्वामित्र की सहन शक्ति समाप्त हो गई थी। वे वहां से उठकर चल दिए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र वन में आखेट के लिए गए हुए थे। तभी उनके कानों में किसी की पुकार सुनाई दी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो राजन। राजा हरिश्चंद्र ने आगे बढ़कर देखा कि एक युवा तपस्विनी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रोते हुए रक्षा करने की दुहाई दे रही है। राजा ने दाएं बाएं नजरें दौड़ाई, लेकिन उन्हें वहां कोई अन्य व्यक्ति दिखाई न दिया। तब राजा ने हैरान होकर तपस्विनी से पूछा, कौन पापी आपको कष्ट पहुंचा रहा है? मेरे राज्य में किसका इतना साहस जो आपके वस्त्रों में आग बांधना चाहता है? मेरे ये नुकीले बाण अभी उसे मौत की नींद सुला देंगे। उस युवा तपस्विनी ने कहा, राजन, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तपस्वी घोर तप करके मेरी सारी सिद्धियों को मुझसे छीन रहा है। मैं उसी से भयभीत होकर रक्षा की पुकार कर रही हूँ। तुम डरो मत और निर्भय होकर तप करो, राजन ने कहा, मैं उसे अभी देखता हूँ। यह कहकर राजा वहां से चला गया। उसके जाते ही तपस्विनी अंतर्ध्यान हो गई। जंगल में ढूंढता ढांढता राजा उस तपस्वी के निकट पहुंचा जो घोर तपस्या कर रहा था। उसका मुख दूसरी ओर था, इसलिए राजा उसे पहचान नहीं पाया कि वह कौन है। राजा ने उसे ललकारा, अरे दुष्ट, तू असहाय अबला स्त्री की सिद्धियों को हड़पने के लिए तपस्या कर रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? ऐसी तपस्या करने से क्या लाभ जो दूसरों को दुख पहुंचाए? तू जरूर कोई पाखंडी तांत्रिक है जो ऐसा कर रहा है। लेकिन जब तक राजा हरिश्चंद्र जीवित हैं, तब तक वह अपने राज्य में ऐसा अधर्म और अन्याय नहीं होने देंगे। मैं तेरी तपस्या को कभी पूरी नहीं होने दूंगा। तू कौन है? उठकर मेरे सामने आ, अन्यथा मेरे अमोघ बाण तुझे बींद डालेंगे। हरिश्चंद्र की वाणी का उस तपस्वी पर कोई प्रभाव ना होते देख हरिश्चंद्र आगे बढ़ा, ठहर जा, देखता हूं तुझे। राजा हरिश्चंद्र के शब्द सुनकर तपस्वी उठ खड़ा हुआ और क्रोधित होते हुए बोला, ठहर जा दुरात्मन, अभी तुझे तेरे अहंकार का मजा चखाता हूँ।
अपने सामने राजश्री विश्वामित्र को देखकर राजा हरिश्चंद्र हक्के बक्के रह गए। धनुष बाण फेंक वे उनके सम्मुख हाथ जोड़कर बैठ गए और नम्रता से बोले, महर्षि मैंने जघन्य अपराध किया है, आप मुझे क्षमा करें। ना समझी में ही मुझसे यह अपराध हो गया है। राजा का धर्म है कि वह किसी को विपत्ति में देखकर उसकी रक्षा करे। दान देना और रक्षा करना ही तो राजा का धर्म है। प्रजा की सुरक्षा के लिए ही राजा शस्त्र उठाता है। आप तो राजधर्म को अच्छी प्रकार से समझते हैं, आप मेरा न्याय कीजिए। विश्वामित्र राजा की बात सुनकर शांत हो गए। कुछ देर शांत रहने के बाद उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से पूछा, राजन तुम पहले यह बताओ कि दान किसे देना चाहिए, रक्षा किसकी करनी चाहिए और युद्ध किससे करना चाहिए। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र उठ खड़े हुए और बोले, भगवान ब्राह्मण और दरिद्र लोग दान के पात्र हैं, भयभीत व्यक्ति रक्षा के योग्य है और यज्ञ कार्य में जो बाधा डाले उससे युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म है। विश्वामित्र ने कहा, राजन तुमने भयभीत की रक्षा करने का प्रयत्न किया, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे ब्राह्मण को दान भी दे सकते हो? मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दक्षिणा दोगे? राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न होकर बोले, भगवान आप जो चाहे मांग लें, मैं आपको वह सब दूंगा। सोना, पुत्र, यह शरीर, प्राण, राज्य, नगर, संपत्ति, जो भी मेरे अधिकार में है वह सब कुछ। विश्वामित्र अवाक होकर बोले, ठीक है राजन, जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं तुझसे मांग लूंगा। अभी तुम जाओ और राजधानी में जाकर अपना राजकाज देखो, किंतु अपना वचन याद रखना। राजा हरिश्चंद्र वचन देकर वापस चले गए। हरिश्चंद्र के जाने के उपरांत विश्वामित्र ने मन ही मन सोचा, देखूं तो कैसा दाता है हरिश्चंद्र, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर विश्वामित्र ने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़कर धरती पर पटका तो एक भयानक सुअर गर्जना करता हुआ वहां प्रकट हो गया। विश्वामित्र से वह सुअर मनुष्य की बोली में बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? विश्वामित्र ने हाथ उठाकर उसे आदेश दिया, जाओ राजा हरिश्चंद्र की राजधानी अयोध्या में जाओ और उसका सारा उपवन उजाड़ दो। जब राजा तुम्हें मार डालना चाहे तो उससे अपने प्राणों की भीख मांगना। जो आज्ञा गुरुदेव, स्वर बोलो और पलटकर तेज गति से अयोध्या की ओर चल पड़ा। वह भयानक स्वर गुर्राता हुआ अयोध्या पहुंचा और राजा के उपवन में घुसकर बिना भय के लता वृक्षों को तोड़ने फोड़ने लगा। कुंजों को उसने नष्ट कर दिया और वृक्षों को जड़ सहित उखाड़ फेंका। उसकी विनाश लीला देखकर उपवन के रक्षक उसे घेर कर उस पर बाण वर्षा करने लगे, भालों से उसके शरीर को गोदने लगे, परंतु उस पर उनके प्रहारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे जब वह जोर से गुर्राकर उनकी ओर झपटता तो वे सभी अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग जाते। तब एक किनारे सुरक्षित खड़े रक्षकों के नायक ने अपने उपनायक से कहा, यह सुअर तो काबू में नहीं आ रहा, हमें इसकी जानकारी राजा को देनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं, मैं जाता हूँ, अन्यथा यह महाविनाश कर देगा, उपनायक ने कहा और पलटकर चला गया। उपनायक जब राजा के पास दरबार में पहुंचा तो राजा हरिश्चंद्र दरबार लगाए बैठे थे। उपनायक ने वहां पहुंचकर फरियाद की, महाराज की जय हो, महाराज एक भयानक सुअर राज के उपवन में घुस आया है और भारी उत्पात मचा रहा है। सशस्त्र रक्षक भी उस सुअर से बाघ की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सुअर ना तो राक्षस है ना ही दानव, बाण भाले पत्थर और लाठियां भी उसे रोक नहीं पा रहे। सभी रक्षक उससे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, किसी की भी हिम्मत उसके सामने जाने की नहीं हो रही है। अरे ऐसा कैसा सुअर है वह? राजा हरिश्चंद्र चौंक कर उठ खड़े हुए और बोले, चलो हम स्वयं चलकर उसे देखते हैं। राजा ने अपना घोड़ा और कुछ सशस्त्र सैनिक बुलाए और शस्त्रों से लैस होकर उपवन की ओर चल पड़े। उपवन की दशा देखकर राजा हरिश्चंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने सुअर को ललकारा तो सुअर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते वह सुअर राजा हरिश्चंद्र को एक भयानक वन में ले गया। राजा के साथ आए सैनिक काफी पीछे छूट गए। घंघोर जंगल में राजा ने सुअर को घेर लिया और जैसे ही उस पर बाण छोड़ने लगे वह सुअर मनुष्य की बोली में बोला, राजन मैं जंगली जानवर हूँ, मुझ में बुद्धि विवेक नहीं है, मैंने जो किया वह मेरा स्वभाव है, अपराध नहीं। आप तो राजा हैं, न्याय प्रिय हैं, बुद्धिमान हैं, आप मुझे मेरे प्राणों की भीख दीजिए। ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, राजा ने उसे छोड़ दिया। दूसरे ही पल वह सुअर अंतर्धान हो गया। सुअर के अंतर्धान होते ही राजा हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए, यह कैसी माया है, मनुष्य की बोली बोलने वाला वह सुअर कौन था? तभी एक ब्राह्मण वहां आया और राजा को चिंतित अवस्था में खड़े देखकर पूछने लगा,
आप कौन से देश के राजा हैं श्रीमान? इस भयानक वन में आप क्या कर रहे हैं? हे विप्रवर, आपको देखकर मुझे बड़ा संतोष मिला। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूँ। एक सुअर का पीछा करते करते यहाँ वन में आया था और अब मार्ग भटक गया हूँ। मेरे अंग रक्षक भी पीछे छूट गए हैं। आप चिंता ना करें राजन, ब्राह्मण ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा आश्रम है। आज मेरे पुत्र का विवाह है। आप पास की नदी में स्नान करके थकान मिटा लें और मेरे आश्रम पर चलकर थोड़ा जलपान करके आराम कर लें। फिर मैं आपको वन से बाहर ले चलूंगा। शुभ संदेश दिया आपने, मैं आपके साथ चलता हूँ। राजा ने नदी में स्नान किया और ब्राह्मण के साथ चल पड़े। वे नहीं जानते थे कि वह नदी मायावी है। उसमें स्नान करके वे ब्राह्मण रूपधारी विश्वामित्र के अधीन हो गए। ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को लेकर अपने आश्रम पर पहुंचे। वहां वास्तव में एक विवाह का आयोजन किया जा रहा था। वेदी के पास दूल्हा दुल्हन और आश्रमवासी विवाह संपन्न कराने की तैयारी कर रहे थे। ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, मैंने संसार में आपकी बड़ी कीर्ति सुनी है। आप जैसा दानी कोई दूसरा नहीं है। मैंने यह भी सुना है कि देव सभा में महर्षि वशिष्ठ ने आपकी दानशीलता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि ऐसा दानी ना पहले कभी हुआ और ना होगा। अतः विवाह के अवसर पर आप इस गरीब ब्राह्मण को भी कुछ दान दे दीजिए। राजा ने कहा, भगवान, आपकी जो इच्छा हो मांग लें। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं ना दे सकूं। राजा हरिश्चंद्र उस समय पूरी तरह ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र के अधीन हो चुके थे। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं क्या मांगू? आप जो भी देना चाहते हैं वर वधु को दे दीजिए। पुरोहित के मंगलाचार के बीच राजा हरिश्चंद्र विचार करने लगे कि वे वर वधु को दान रूप में क्या दें। कुछ पल बाद राजा ने ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, विप्रवर, आपकी जो भी अभिलाषा हो निसंकोच मुझसे मांग लें। मैं आपके वचन से पीछे नहीं हटूंगा। ब्राह्मण ने गंभीरता से कहा, राजन, यदि मैं अपने पुत्र के लिए आपसे आपका राज्य मांग लूं, तो क्या आप वह भी मुझे देंगे? भगवान, आप मांग कर तो देखिए, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ठीक है, आप अपनी संपूर्ण राज्य संपदा सहित मेरे पुत्र को अपना राज्य दान में दे दीजिए। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखकर कहा। राजा ने तत्काल वचन दिया। ब्राह्मण ने भी तत्काल कहा, लिया। उन्होंने आगे कहा, राजन, शास्त्रों में दान की बड़ी महत्ता है। इस दान के साथ मुझे 2.5 भार सोना इसकी दक्षिणा के रूप में और दीजिए। राजा ने कहा, वह भी दूंगा। तभी राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। विश्वामित्र से अनुमति लेकर राजा हरिश्चंद्र सैनिकों के साथ अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। राजा हरिश्चंद्र के चले जाने के बाद ब्राह्मण बने विश्वामित्र अपने असली रूप में आ गए। उनके होंठों पर व्यंग भरी मुस्कान फैल गई। वह मन ही मन सोचने लगे, अब देखता हूँ हरिश्चंद्र तो कितना बड़ा दानी और सत्यवादी है। कोई बात कह देना जितना सहज है, उस पर अमल करना उतना ही कठिन होता है। साधारण महापुरुषों में यही तो अंतर होता है। साधारण लोग जहाँ कठिनाइयों के सामने आने पर विचलित हो जाते हैं, वहीं महापुरुष यदि स्वप्न में कोई बात धर्मानुकूल कह बैठते हैं तो उसके तनिक भी विचलित नहीं होते। ऐसे लोग धर्म को ही सत्य मानते हैं और सत्याचरण को ही धर्म कहकर पुकारते हैं। अब देखूंगा कि तेरा सत्य धर्म क्या कहता है। राजा हरिश्चंद्र के दुखों और महर्षि वशिष्ठ की पराजय की कल्पना कर विश्वामित्र जोर जोर से हंसने लगे। उनके इस व्यवहार से उनके शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। उधर हरिश्चंद्र को स्वप्न में भी यह ध्यान नहीं आया कि विश्वामित्र ने उनके साथ छल किया है। राजधानी लौटते समय मार्ग में राजा हरिश्चंद्र उस उधेड़ बुन में लगे हुए थे। अपनी धर्म पत्नी शैव्या को अपने सर्वस्व दान बात कैसे बताएंगे? उन्हें ना तो स्वयं राजा का लाभ था ना धन का लालच, परंतु शैव्य और पुत्र रोहिताश्व की प्रतिक्रिया के बारे में वे अवश्य चिंतित थे। शैव्या साधारण स्त्री नहीं थी, वह आदर्श पतिव्रता सती नारी थी। उसने अपने पति को वन से लौट कर आने पर चिंतित देखा तो पूछा, क्या बात है स्वामी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आप किसी याचक इच्छानुसार दान नहीं दे सके? आप मुझसे ना छिपाएं, आपकी चिंता देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, प्रिय, मैंने वन में एक तपस्वी के मांगने पर अपना सर्वस्व उसे दान दिया है। मेरी उदासी का कारण यही है कि मैं तुम्हें और रोहिताश्व को सेवक के रूप में कैसे रखूंगा। शैव्या ने कहा, नाथ, यह तो प्रसन्नता की बात है। राज्य के प्रपंचों में पकड़कर हम भगवान का स्मरण करना भूल गए थे, अब हमें पूरा समय मिल जाएगा। राजा निश्चिंत हो गए, उन्हें शैव्य से ऐसे उत्तर की ही अपेक्षा थी।
अगले दिन जैसे ही राजा हरिश्चंद्र राज दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे, विश्वामित्र ने प्रवेश किया। राजा ने स्वयं महर्षि की अगवानी की। सभासदों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। विश्वामित्र ने कहा, राजन, मुझे पहचाना? कल वन में ब्राह्मण वेश में ही तुमसे मिला था और तुमने मेरे पुत्र के विवाह में अपना संपूर्ण राज्य मुझे दे दिया था। तुम बड़े ही धार्मिक और सत्यवादी राजा हो, अपना वचन का पालन करो। यह राज्य छोड़ दो और दान के साथ दी जाने वाली मेरी 2.5 भार सोने की दक्षिणा भी मुझे दो। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, राज्य आपका ही है, इसे मैंने आपको दिया। रहा 2.5 भार सोना, वह मैं अभी आपको मंगाए देता हूँ। वाह, वह सोना तुम कहाँ से लाओगे? राजकोष तथा इस राज्य की प्रत्येक वस्तु पर अब तो मेरा अधिकार है। ऐसा करके क्या तुम मुझसे कपट नहीं कर रहे? विश्वामित्र की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, मुझसे अपराध हो गया। इस राज्य की प्रत्येक वस्तु पर अब आपका अधिकार है। हम अभी ये सभी राजकीय वस्त्र और आभूषण उतार देते हैं और आपको वचन देते हैं कि इस राज्य से बाहर जाकर हम अपने परिश्रम से धन जमा करके आपका 2.5 भार सोना यथाशीघ्र चुका देंगे। ठीक है, मैं तुझे 1 माह का समय और वलकल वस्त्र पहनने की आज्ञा देता हूँ। विश्वामित्र ने हाथ उठाकर कहा, यदि 1 माह के भीतर तूने मुझे 2.5 भार सोना नहीं दिया तो तुझे उसके लिए दंडित होना पड़ेगा। आप क्रोध ना करें भगवान, राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं आपके वचन का पालन अवश्य करूंगा और यदि ऐसा नहीं कर सका तो आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक दंड मुझे स्वीकार होगा। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपने निवास की ओर चले गए। राजा हरिश्चंद्र के दरबार से जाने के उपरांत महर्षि वशिष्ठ से चुप नहीं रहा गया। वे गंभीर होकर विश्वामित्र से बोले, ऋषिवर, आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं। आपका वैर मुझसे है, यदि आपको परेशान करना है तो आप मुझे करें। महाराज से आपका व्यवहार ऋषि परंपरा के विरुद्ध है। महर्षि, आप तो अभी से घबरा गए, अभी तो आरंभ है। देखना है इति तक पहुंचते पहुंचते आपकी और आपके शिष्य की क्या स्थिति होती है। विश्वामित्र ने वशिष्ठ का अपमान करते हुए कहा। महर्षि वशिष्ठ ने शांत भाव से विश्वामित्र को समझाते हुए कहा, राजश्री, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अपने तपोबल का अहंकार करना एक साधु के लिए कदाचित उचित नहीं है। शिष्य को गुरु का सन्निधय किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी यह बात उपयुक्त है उतना ही यह भी आवश्यक है। गुरु अपने शिष्य का आपदा में सदैव साथ दे, इसलिए मैं भी अभी इसका परित्याग कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ द्वारा की गई इस घोषणा को सुनते ही सब सभासदों ने भी अयोध्या के परित्याग की एक स्वर में घोषणा कर दी। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र के साथ वलकल वस्त्र धारण किए और राजमहल से बाहर निकल आए। राजमहल के बाहर अयोध्या वासियों ने महर्षि वशिष्ठ के साथ उन्हें रोका। वशिष्ठ ने राजा से कहा, हे राजन, समस्त अयोध्या वासी, राज कर्मचारी और मैं स्वयं आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। राजा ने उन्हें समझाया, गुरुदेव, आप ही नगर वासियों को समझाइए। उनके साथ चलने से मेरा धर्म संकट और बढ़ जाएगा, आपको भी कष्ट होगा। अच्छा यही है कि आप अपने आश्रम चले जाएं या फिर यहाँ रहकर सबकी देखभाल करें। ऋषि विश्वामित्र ही अब यहाँ के राजा हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना सभी नगरवासियों और राज कर्मचारियों का धर्म होना चाहिए। आप सब ईश्वर पर भरोसा रखें। उसने मुझे जिस परीक्षा में डाला है मैं उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोगों ने एक स्वर में कहा, नहीं राजन, हम सभी अपने बाल बच्चों के साथ छाया की भांति आपके पीछे पीछे चलेंगे। जिस समय राजा हरिश्चंद्र महर्षि वशिष्ठ और अयोध्या वासी को समझा रहे थे उसी समय विश्वामित्र अंग रक्षकों से घिरे हुए रथ पर सवार वहां पहुंचे और लोगों से घिरे राजा रानी और उनके पुत्र को देखकर चीखे, हरिश्चंद्र, तू धर्म भ्रष्ट हो गया है, झूठा है तू, मेरे साथ कपट करता है। दान करके उसे फिर से वापस पाने की इच्छा रखकर तू प्रजा को भड़का रहा है, लज्जा आनी चाहिए तुझे। विश्वामित्र की कठोर वाणी सुनकर राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र का हाथ पकड़ा और तेज गति से भीड़ को चीरते हुए वहां से चल पड़े। विश्वामित्र के इस कृत्य को देखकर आकाश के त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का हृदय भी पिघल गया। भगवान शंकर के मुख से निकल पड़ा, तपस्वी होने के बाद भी विश्वामित्र ने अपनी क्षत्रियों की कठोरता का परित्याग नहीं किया है। राजा को मैं अपनी नगरी काशी में शरण दूंगा, देखता हूँ यह उनका क्या बिगाड़ता है।
विष्णु ने कहा, शांत हो जाए महादेव, सत्य की स्थापना में महात्माओं को कष्ट उठाने पड़ते हैं। अयोध्या का परित्याग करने के बाद राजा हरिश्चंद्र विचार करने लगे कि कहां जाएं, क्योंकि सारा राज्य तो उन्होंने दान में दे दिया है। तभी उन्हें काशी नगरी का स्मरण हो गया। उन्होंने सोचा कि काशी नगरी तो भगवान शंकर की राजधानी है, दयामयी माँ अन्नपूर्णा देवी वहाँ सभी की खोज खबर रखती हैं, इसलिए वहाँ चलना चाहिए। उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया। कई दिनों का मार्ग तय करके राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्य और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी नगरी में पहुंचे। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और उनसे खून बह रहा था। कपड़े मैले कुचले हो गए थे। भूख और प्यास के कारण उनकी आंखें अंदर धस गई थी। परंतु राजा ने इस कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि विपत्ति में ही धर्म और धैर्य की परीक्षा होती है। काशी नगरी में राजा हरिश्चंद्र को कोई पहचानता नहीं था। वे अपनी पत्नी के साथ गंगा के किनारे जा पहुंचे और हाथ पांव धोकर गंगा जल पीकर किनारे पर बैठ गए। पास में ही एक कुत्ता किसी की फेंकी हुई रोटियां चबा रहा था। रोहिताश्व ने उस कुत्ते को रोटी खाते देखा तो उसने अपनी माँ का आंचल पकड़कर कहा, माँ मुझे भूख लगी है। बच्चे की बात सुनकर शैव्य रोने लगी। उसने अपने लाडले को अपनी छाती से चिपटा लिया। वह दृश्य देखकर हरिश्चंद्र का दिल भी भर आया। उन्होंने संकोच त्याग कर जोर से पुकारा, कोई है यहाँ? बच्चे को भूख लगी है, कुछ हो तो दे दो। राजा की पीड़ा देखकर शैव्य रोने लगी। बच्चे को चिपटाकर वह बोली, आप इस तरह अधीर उसकी भूख शांत कर दूंगी। नहीं माँ, मुझे भूख लगी है, रोहिताश्व फिर बोल पड़ा। रोहिताश्व की भूख को देखकर राजा हरिश्चंद्र का धैर्य डगमगाने लगा। संतान का दुख असहनीय होता है। उन्होंने गंगा के जल में तैरते हुए हंसों को दिखाकर बालक का मन बहलाना चाहा, परंतु बच्चा भूख भूख चिल्ला रहा था। अंत में राजा ने कहा, शैव्या चलो अन्नपूर्ण के मंदिर में चलते हैं, वहाँ कुछ प्रसाद अवश्य मिलेगा जिसे रोहिताश्व को खिला देना। उसी समय अन्नपूर्णा माँ पार्वती देवी एक वृद्धा स्त्री का वेश बनाकर वहाँ घाट पर आई। रोहिताश्व को रोते देख कर वृद्धा ने पूछा, यह बालक क्यों रो रहा है? राजा ने कहा, माँ हम परदेसी हैं, नगर में किसी को जानते नहीं, बच्चा भूखा है और हमारे पास कुछ है नहीं जो हम इसे खिला सकें। वृद्धा ने कहा, मेरे पास माँ अन्नपूर्ण का प्रसाद है, प्रसाद पर तो सभी का एक समान अधिकार होता है, इसलिए इसे ग्रहण करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजा ने शैव्य की ओर देखा और उसकी सहमति पाकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। वृद्धा प्रसाद की पोटली रोहिताश्व को देकर चली गई। उसे रोहिताश्व का पेट भर गया और राजा रानी को भी थोड़ी तृप्ति हुई। दोपहर तक राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ नगर में भटकते रहे, परंतु उन्हें कहीं काम नहीं मिला। हारकर वे बाजार में एक किनारे बैठ गए और अपनी पत्नी से बोले, शैव्या आज एक महीना पूरा हो रहा है, अब क्या किया जाए? विश्वामित्र जी की दक्षिणा आज सूर्यास्त तक ना दी गई तो मेरे सत्य वचन की रक्षा कैसे होगी? क्या प्राण रहते मेरा वचन सत्य हो जाएगा? आप चिंता ना करें स्वामी, शैव्या ने कहा, भगवान आशुतोष अवश्य आपके सत्य की रक्षा करेंगे। वे अपनी नगरी में आपको सत्य से कभी गिरने नहीं देंगे। अभी संध्या होने में आधा दिन पड़ा है, कोई मार्ग निकल ही आएगा, यह मेरा मन कहता है। तुम ठीक कहती हो प्रिय, राजा हरिश्चंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विश्वास और धैर्य बहुत बड़े सत्य हैं, इनका साथ ना छोड़ने वाला कदापि लज्जित नहीं हो सकता। दोनों एक आदर्श पति पत्नी की तरह एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहे थे और रोहिताश्व अपनी माँ की गोद में सर रखकर बेखबर सो रहा था। थोड़ी दूर पर खड़े विश्वामित्र उनकी ओर कुटिलता से मुस्कुरा रहे थे। विश्वामित्र से यह सब देखा ना गया। वे राजा रानी के पास पहुंचे और बोले, अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें नगर भर ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रणाम मुनिवर, राजा और रानी ने श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों का स्पर्श किया। विश्वामित्र ने आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि कठोर शब्दों में वे बोले, ठीक है ठीक है, तुझे मालूम है ना हरिश्चंद्र, आज एक माह पूरा हो रहा है, मुझे आज ही अपनी दक्षिणा चाहिए, अन्यथा। हरिश्चंद्र ने विनम्रता पूर्वक विश्वामित्र के आशय को समझते हुए कहा, भगवान सूर्यास्त होने से पूर्व ही मैं आपकी दक्षिणा दे दूंगा। ठीक है, मैं फिर साय को ही आऊंगा, यह कहकर विश्वामित्र वहां से चले गए। विश्वामित्र के जाने के उपरांत राजा हरिश्चंद्र सोच में डूब गए कि अब मैं क्या करूं, इस अनजान नगर में कोई मुझे ऋण भी नहीं दे सकता। अब तो एक ही उपाय है कि मैं स्वयं को बेच दूं। अपने स्वामी को चिंतित देख शैव्या ने कहा, सत्य की बड़ी महिमा है, सत्य के बल पर सूर्य उदित और अस्त होता है, सत्य के बल पर यह धरती टिकी हुई है,
सत्य ही धर्म है और स्वर्ग है। हजारों अश्वमेध यज्ञ भी सत्य की बराबरी नहीं कर सकते। आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। राजा ने दुखी होकर कहा, जानता हूँ प्रिय, पर सत्य का पालन मैं कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शैव्या ने कहा, स्वामी मैं अपने पुत्र की माँ बन चुकी हूँ, इसलिए मेरा पाणी ग्रहण सफल हो चुका है। आप मुझे किसी के हाथ बेच दीजिए, उस मूल्य से आप महर्षि विश्वामित्र की दक्षिणा दे दीजिए। नहीं, राजा हरिश्चंद्र विचलित होकर रोने लगे, यह तुमने क्या कह दिया प्रिय, क्या हमारा प्रेम बंधन समाप्त हो गया है? ऐसे तो सुनना भी मेरे लिए पाप है। राजा को उदास और दुखी देख शैव्या ने कहा, स्वामी आप अपने को इस प्रकार लांछित ना करें, झूठे लोग शमशान की भांति वर्जित होते हैं। झूठे मनुष्य के समस्त अग्निहोत्र, अध्ययन, दान और पुरुषार्थ निष्फल हो जाते हैं। पुराणों में राजा कृति की एक कथा आती है, उसने 7 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, राजसूय यज्ञ किया था, प्रचुर दान भी दिया था, परंतु एक बार झूठ बोलने के कारण वह स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। मैं नहीं चाहते कि आप अपने वचन का पालन ना कर पाने के कारण सत्य मार्ग से गिर जाएं, इसलिए आप मेरी बात मान लीजिए, उठिए और मुझे बेचकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। तभी रोहिताश्व ने अपनी माँ से कहा, मुझे भूख लगी है माँ। पिताजी रो क्यों रहे हैं, क्या उन्हें भी भूख लगी है? उसी समय तड़प कर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अच्छी बात है, मैं यह क्रूर कर्म भी करूंगा, मैं अपने पुत्र को इस प्रकार तड़पता नहीं देख सकता, मैं तुम्हें बेचूंगा, रोहित को बेचूंगा और अपने आप को भी, परंतु सत्य से विचलित नहीं होऊंगा, सत्य ही मेरा जीवन है, सत्य ही मेरा प्राण है। अत्यधिक विचलित होकर राजा हरिश्चंद्र उठ खड़े हुए और लोगों को पुकार पुकार कर कहने लगे, नगर वासियों मेरी बात सुनो, यह मत पूछिएगा कि मैं कौन हूँ, मेरा बस इतना परिचय ही काफी है कि आज मैं विवश होकर अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना चाहता हूँ। यदि आप में से किसी सज्जन को दासी की आवश्यकता हो तो वह इसे खरीद सकता है। हरिश्चंद्र की अटपटी गुहार सुनकर वहां एकत्र हुए लोग हैरानी से उनका मुख देखने लगे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आगे बढ़कर बोला, मुझे एक दासी की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार रहती है, उससे घर का काम नहीं हो पाता, बोलो क्या लोगे इसका? उसने शैव्य की ओर संकेत किया। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान मैं नहीं जानता कि इस पतिव्रता नारी का क्या मूल्य होना चाहिए, जो उचित लगे वह आप मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण बने विश्वामित्र ने शैव्य का मूल्य लगाते हुए कहा, मैं इस दासी के लिए 1 बार स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ, ये लो। विश्वामित्र ने पोटली आगे कर दी, राजा ने उसे ग्रहण कर लिया। ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र ने शैव्य को अपने साथ चलने को कहा। तभी रोहिताश्व ने अपनी माँ का आंचल पकड़ लिया। यह देखकर विनम्र दिखने वाला ब्राह्मण चिल्लाया, ए लड़के साड़ी का पल्ला छोड़ दे, मैंने तेरी माँ को खरीदा है, तुझे नहीं। शैव्या रोने लगी, उसने अपने बेटे रोहिताश्व से कहा, हट मत कर पुत्र, तू अपने पिता के साथ ही रहे। रोहिताश्व ने आंचल नहीं छोड़ा तो ब्राह्मण शैव्या को खींचने लगा। इस पर शैव्या ने रोते हुए ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे खरीदा है, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस बच्चे को भी खरीद लीजिए, मैं अपनी पूरी शक्ति से आपकी सेवा करूंगी, अन्यथा मेरा मन इस बालक में ही रमा रहेगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, ब्राह्मण ने जोर से कहा, यदि मैं इसे खरीदूंगा तो रात दिन तू इसी के लाड़ दुलार में लगी रहेगी, घर का काम कौन करेगा? मैं करूंगी, वचन देती हूँ। शैव्य ने भरोसा दिलाया तो ब्राह्मण ने रोहिताश्व का भी 1 भार सोना देकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र एक बूढ़ी औरत के पास उसकी देखभाल करने के लिए शैव्या और रोहिताश्व को छोड़कर वापस विश्वामित्र के रूप में राजा हरिश्चंद्र के पास आए। राजन सांझ होने जा रही है, मेरी दक्षिणा का क्या हुआ? विश्वामित्र ने पूछा। हरिश्चंद्र शैव्या और रोहिताश्व की याद में डूबे हुए थे। वे सोच रहे थे कि आज उनकी प्रिय पत्नी दूसरे की दासी हो गई, पुत्र जो कल राजा बनता वह आज पराश्रित हो गया था। विश्वामित्र की आवाज सुनकर राजा हरिश्चंद्र चौंक पड़े और स्वर्ण मुद्राएं की थाली उनकी ओर बढ़ाते हुए बोले, ऋषिवर यह लीजिए अपनी दक्षिणा। अरे यह धन तुझे कहां से मिला? विश्वामित्र ने चौंकते हुए पूछा। क्षत्रिय होकर तुमने यह धन किसी से मांगा तो नहीं होगा? देखो न्याय द्वारा उपार्जित धन ही दक्षिणा के योग्य होता है, अन्याय से कमाया हुआ धन मैं नहीं लूंगा। जब राजा ने सारी बात विश्वामित्र से बताई तो वह बोले, लेकिन यह धन तो बहुत कम है,
इससे मेरी दक्षिणा पूरी नहीं होती, शीघ्र ही मुझे और धन दो, नहीं तो। वे राजा को धमकी देकर वहां से चले गए। सूर्यास्त होने में अभी थोड़ा समय बाकी था। राजा हरिश्चंद्र अपने आप को बेचने के लिए नगर में निकल पड़े, परंतु उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। तब वे शमशान घाट पर जा पहुंचे। वहां धर्म ने चांडाल का रूप बनाया और राजा के सामने आकर बोला, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजा ने कहा, भाई जब तक सूर्यास्त नहीं होता तुम मुझे खरीद लो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सेवा करूंगा। चांडाल रूपी धर्म ने कहा, मुझे दास की आवश्यकता तो है, बोलो अपना दाम बोलो। राजा ने चांडाल की भीक्षण आकृति को देखा और कहा, मुझे इतना धन दे दो कि मैं ब्राह्मण की दक्षिणा पूरी कर सकूं। चांडाल बोला, देखो भाई मैं प्रवीर नामक चांडाल हूँ, मेरा काम मुर्दों का कफन लेना और उन्हें जलाना है। मैं तुम्हें एक भार सोना दे सकता हूँ। मैं तैयार हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने हामी भरी तो चांडाल ने राजा को अपने साथ ले जाकर एक भार सोना दे दिया। उसी समय क्रोध में भरे हुए विश्वामित्र वहां आ पहुंचे और बोले, क्या बात है हरिश्चंद्र, क्या तुम मेरी दक्षिणा देना नहीं चाहते? हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैंने आपकी दक्षिणा के लिए ही अपने आप को चांडाल के हाथों बेच दिया, यह लीजिए एक भार सोना। मैं सूर्यवंशी हूँ, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ पर अपना वचन नहीं तोड़ सकता। विश्वामित्र ने एक भार सोने की पोटली उठा ली और घूमकर वापस चल पड़े। चांडाल राजा को अपने साथ लेकर वहां गया जहां चिताएं जल रही थी। उसने कहा, बिना कफन लिए किसी भी मुर्दे को स्वीकार नहीं करना, चाहे तुम्हारे पुत्र का ही शव क्यों ना आ जाए। ऐसा ही होगा स्वामी, राजा ने चांडाल को आश्वस्त किया। कहते हैं विपत्ति ही संपत्ति की जननी है। परीक्षा के फलों में ही मनुष्य के महत्व का पता चलता है। जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती उसकी आत्मशक्ति और धैर्य की परीक्षा नहीं हो सकती। शमशान घाट पर हरिश्चंद्र बड़े सावधानी से रात दिन काम करने लगे। वहां सभी प्रकार के लोग अपने परिजनों को जलाने लाते, हरिश्चंद्र सभी से शमशान कर लेते। वे लोगों को रोज ही रोते पीटते मरते जलते देखते। यह सब देखकर उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। शमशान पर रहकर वे जीवन का अंत देखते और सोचते कि सभी को एक दिन यहाँ आना पड़ेगा। यह सब देख देख कर हरिश्चंद्र के मन में शांति कला संचार होने लगी। वे भगवान का स्मरण करते हुए दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करने लगे। उधर रानी दिन रात ब्राह्मण के घर में काम में जुटी रहती थी। ब्राह्मण उसके बेटे रोहिताश्व को भी काम बताता रहता था। एक दिन उसने रोहिताश्व को बगीचे से पूजा के फूल लेने को भेजा, जहां एक विषैले सर्प ने उसे डस लिया। विष के तीव्र प्रभाव से बालक का प्राणांत हो गया। जब रोहिताश्व बहुत देर तक वापस ना लौटा तो रानी उसे खोजते हुए बगीचे में पहुंची। वहां मृत पुत्र को देखकर वह विलाप करने लगी, लेकिन कौन था वहां उसे सांत्वना देने वाला। बहुत देर होने के बाद आखिर वह कुछ संयत हुई और अपने पुत्र का शव लेकर ब्राह्मण के पास पहुंची। उसने ब्राह्मण से कुछ पैसे देने की प्रार्थना की ताकि वह कफन खरीद कर अपने पुत्र का शव दाह कर सके, लेकिन ब्राह्मण ने उसे पैसे देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। रानी अपने पुत्र को बाहों में उठाकर शमशान में पहुंची। वहां पहुंचकर उसके सामने यह समस्या पैदा हो गई कि वह अपने पुत्र का शवदाह कैसे करे। विवश होकर उसने अपनी आधी साड़ी फाड़ी और उसी में अपने पुत्र का शव लपेटकर चिता की ओर बढ़ी। लेकिन तभी चांडाल के सेवक बने हरिश्चंद्र ने उसे रोका और कहा, देवी बिना शमशान का कर चुकाए तुम इस मुर्दे को यहाँ नहीं जला सकती। अपने पति का स्वर पहचान कर रानी ने सर उठाया। हरिश्चंद्र ने भी उसे तत्काल पहचान लिया। पुत्र के शव पर निगाह डालते ही दुख से उनका हृदय फट पड़ा। देखो क्या हो गया स्वामी, यह आपका ही पुत्र है, रानी ने रोते हुए सारी घटना सुना दी। हाँ देवी, हरिश्चंद्र ने जैसे छाती पर पत्थर रखकर कहा, लेकिन मैं कर्तव्य से विवश हूँ, शमशान का कर तुम्हें चुकाना ही होगा। पर मैं कर कहाँ से दूं स्वामी, आप देख ही रहे हैं कि मैंने पहले ही अपनी आधी साड़ी फाड़ कर अपने पुत्र के मृत शरीर को ढका हुआ है, रानी ने कातर स्वर में कहा। तुम चाहो तो अपनी साड़ी का आधा भाग कर के रूप में चुका कर अपने पुत्र का दाह कर सकती हो, हरिश्चंद्र बोले, किंतु बिना कर चुकाए मैं तुम्हें इसको जलाने नहीं दूंगा, मेरे स्वामी का ऐसा ही आदेश है। रानी का हाथ अपनी साड़ी की ओर बढ़ा, तभी एक अनहोनी सी बात हो गई। पीछे से एक हाथ ने शैव्य का हाथ पकड़ लिया। हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अपने स्वामी चांडाल को खड़ा पाया, जो मुस्कुराते हुए कह रहे थे, हरिश्चंद्र तुम अपनी परीक्षा में सफल रहे। कैसी परीक्षा,
हरीशचंद्र ने चकित स्वर में पूछा। चांडाल कोई उत्तर देता इससे पहले ही वहां एक और विस्मयकारी घटना घटी। अचानक सारा शमशान क्षेत्र दिव्य ज्योति से अलौकिक हो उठा। देवता स्वर्ग से उतर आए। विश्वामित्र भी प्रकट हो गए और कहा, महाराज हरीशचंद्र, देवगण तुम्हारी सत्य निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे जिसमें तुम सफल रहे। अब तनिक अपने पुत्र और महारानी शैवे की ओर तो देखिए। हरीशचंद्र ने चकित भाव से अपने पुत्र और पत्नी पर निगाह डाली। उनका पुत्र और पत्नी राजसी वेशभूषा में मुस्कुराते हुए सामने खड़े थे। चांडाल के स्थान पर धर्मराज मुस्कुराते हुए खड़े थे। विश्वामित्र ने हरीशचंद्र को न सिर्फ अपनी दासता से मुक्त कर दिया था अपितु उनका खोया हुआ राज्य वैभव भी उन्हें लौटा दिया था। तदुपरांत हरीशचंद्र अपनी पत्नी और पुत्र सहित अयोध्या लौट आए और वर्षों तक सत्यनिष्ठ होकर प्रजा की सेवा करते रहे।